Praise the Lord. प्रिय होने पाए कि आप परमेश्वर के वचन की उत्तम शिक्षाओं को बहुमूल्य बातों को आज सीखने पाए. हम वचन से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 6 पद. क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं. जी मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने जिंदगी में कुछ फैसले ले लेते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद में हम उनके ऊपर सोचते हैं और हम पछताते हैं कि अरे ये क्या हुआ, काश कि मैंने ये वाला फैसला लिया होता. कई बार कुछ शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं और बाद में हम सोचते हैं अरे काश कि मेरे मुंह से ये वाले शब्द निकले होते और इस प्रश्न का जवाब मैंने ये दिया होता, इन परिस्थितियों में काश मेरे मुंह से ये वाली बात निकल गई होती जब वो जन मेरे सामने थे, तो काश कि मैंने ये बोल दिया होता, मैं इधर नहीं गया होता, मैंने वो फैसले कर लिए होते. यू नो कई बार जिंदगी में हम पछताते हैं, कई बार जिंदगी में परिवारों में या बाहर कभी अगर हमसे कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ किसी लड़ाई में हम होते हैं, हम बाद में उससे पछताते हैं कि अरे काश कि मैंने ये शब्द ना बोले होते. कई बार बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ फैसले ले लेते हैं और कुछ दिनों के बाद में वो उनसे पछताते हैं, अरे काश कि हमने ये फैसले नहीं लिए होते. कई बार बच्चे जब अपने पढ़ाई के क्षेत्र में होते हैं और कई बार वो कुछ ऐसे कोर्सेस कर लेते हैं जिनको करने के बाद में पछताते हैं, सोचते कि अरे काश कि मैंने ये कोर्स ना किया होता, मैंने ये वाली पढ़ाई ना की होती, मैंने ये वाला जॉब ना लिया होता, मैंने ये वाला बिजनेस नहीं किया होता, कितना अच्छा होता. कई बार जिंदगी में लिए हुए फैसलों के ऊपर हम पछताते हैं. पर मेरे प्रियो, यीशु जो हमको जीवन देते हैं वो पछताने वाला जीवन नहीं देते. यीशु के साथ जो जीवन होता है वो डिफरेंट होता है, वो एक अलग लेवल के ऊपर होता है. हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा था, बुद्धि यहोवा ही देता है, यहोवा ही देता है ज्ञान और समझ की ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती. बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें तो परमेश्वर की तरफ से आती. मेरे प्रियो, अगर यीशु के साथ चलेंगे वो आपको बुद्धि देगा और वो आपके फैसलों में आपकी अगुवाई करेगा और फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा. हम अपने जीवन में मुड़ करके पछताते नहीं, अरे काश मैंने ये किया होता, अरे काश मैंने वो किया होता, और काश कि मैंने ये वाला फैसला ले लिया होता, और काश मैंने वो वाला काम ना किया होता. हम अपने जीवन में पीछे मुड़ के पछताते नहीं है क्योंकि प्रभु हमको बुद्धि दे रहे होते और वो हमको अगुवाई कर रहे होते और वो हमको आगे की ओर लेकर के चलते. हम एक और पद को देखेंगे, समुपदेशक उसका 2 अध्याय उसके 26वें पद में क्या लिखा हुआ है. जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है. जी जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में जी अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है. राइट, परमेश्वर सबके लिए नहीं लिखा हुआ यहाँ, सबके लिए लिखा हुआ है. जो जन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है जो जन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, आशीष उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे, बुद्धि और ज्ञान उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे. जो जन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता. वो आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा और वो आपको अगुवाई करेगा कि आप कुछ ऐसे फैसले करें जो कि आपको जिंदगी में आनंद देंगे. आप आगे बढ़ जाएंगे और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और आप धन्यवाद देंगे, प्रभु आपको धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की इन फैसलों को लेने में. प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी इच्छा तो नहीं थी, मैं तो एलिय्याह को चुनने जा रहा था, पर प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरी सहायता की और मैंने एलिय्याह को नहीं, मैंने दाऊद को चुना. मैंने दाऊद को चुना. आप आगे बढ़ जाएंगे और आप कहेंगे प्रभु आपका धन्यवाद, मैं तो मरियम को छोड़ देना चाहता था, पर प्रभु आपको धन्यवाद, आपने मेरे हृदय से बोला, बातचीत की, आपने मुझे बुद्धि दी, आपने मुझे ज्ञान दिया और मैं आपकी अभिषिक्त बेटी को मैं अपने जीवन में लेकर के आने पाया. आपका धन्यवाद प्रभु इस बड़े शहर के लिए जो आपने दिया. बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दे, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा और उसके ऊपर जब आप चलेंगे आपका हृदय आनंदित होने पाएगा. मेरे प्रभु परमेश्वर के प्लान को परमेश्वर की योजना खूबसूरत है, उसका सेटअप परफेक्ट है, उसका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है और उसने आपके लिए इंतजाम को करके रखा. यदि आप उससे पूछ के चलेंगे, यदि आप उससे मांग के चलेंगे, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा और वो आपको आनंद
आनंद देगा, आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा। जब आप उस बुद्धि और समझ में चलेंगे आप आनंदित पाएंगे। प्रियो, कई बार हम रिग्रेट करते हैं, कई बार हम पछताते, काश हमने ये फैसला ना लिया होता, काश हमने ये काम नहीं किया होता, काश हम उस जगह पे नहीं किए गए होते, काश हमने उनसे दोस्ती नहीं की होती। आदम और हवा अपने जीवन भर पछताते होंगे, काश हमने वो फल ना खाया था, काश हमने फल नहीं खाया होता। इन्हें लूत पछताता होगा, काश मैंने अब्राहम का साथ ना छोड़ा होता तो आज मेरा हश्र ऐसा नहीं होता। लबान पछताता होगा, काश कि मैंने याकूब के साथ में ऐसी चालों पर नहीं किया होता, धोखा नहीं देता, उसके साथ में फ्रॉड नहीं करता, उसके साथ में गड़बड़ नहीं करता। परमेश्वर के जन के साथ में मुझे गड़बड़ नहीं करना चाहिए था और मैंने उसके साथ में गड़बड़ी कर दी और मेरा सब कुछ जो है वो चला गया। फिर प्रयोग कई बार हम अपनी जिंदगी में पछताते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि कई बार हमारे कुछ फैसले, कुछ गलत फैसले जो होते हैं, कुछ गलत शब्द जो होते हैं, कुछ गलत इरादे जो होते हैं, कुछ गलत काम जो होते हैं, जो हमारे जीवन में हम सहयोग हो गए होते हैं, कई बार वो ज्यादा प्रभाव को नहीं रखते। कई बार थोड़ा सा लिटिल या नो इफेक्ट को लेकर के आते, ज्यादा कोई असर को लेकर के नहीं आते, पर कई बार कुछ कुछ फैसले हमारे जीवन में गंभीर परिणाम कुछ फैसले हमारे जीवन में बिल्कुल हल्के पुल्के से परिवर्तन को लेके आते, कहीं कुछ फैसले कोई परिवर्तन को लेके नहीं आते, उससे कोई नुकसान नहीं होता, पर कई बार कुछ ऐसे फैसले हमसे हो जाते हैं जो कि बड़े गंभीर होते हैं, जो बड़े गंभीर होते हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे घर के पास में एक परिवार रहा करता था और हमारे बड़े अच्छे संबंध उस परिवार के साथ में थे और वो बड़ा सा परिवार था पर वो छोटे से किराए के मकान में रहते थे। बहुत ढेर सारे लोग उस परिवार में थे, मेरे ख्याल से 6-7 बच्चे तो कम से कम वहां पे थे और वो लोग 2 कमरे के मकान में किराए के ऊपर रहते थे। जब हम लोग कुछ बड़े हुए तो उनको पता चला कि दरअसल उनका एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था पर उनके सगे दोस्त, उनके बड़े घनिष्ठ दोस्त ने धोखा करके फ्रॉड से कुछ पेपर पे साइन करा लिया और वो उसने बड़ा मकान ले लिया और ये बेचारे अपना पूरा जीवन 2 कमरों के छोटे से किराए के मकान में उनको बिताना पड़ा। अपना दोस्त था, बड़ा खास दोस्त, उसने सोचा नहीं था कि मेरा अपना दोस्त मेरे साथ में ऐसा कर सकता है। कई बार हमारे अपने, कई बार जिनके ऊपर हमको बड़ा विश्वास होता है, कई बार जिनको हम बड़ी आशा से देख रहे होते, कई बार बड़े भरोसे से उनको देख रहे थे और कई बार वो कुछ ऐसे काम हमारे जीवन में कर जाते, मैं अरे प्रभु काश के मेरी इससे दोस्ती ना हुई होती, काश के मैं इसकी चालों को पहले से समझ जाता, काश के मैं इसके षड्यंत्र को पहले से समझ जाता तो मेरा जीवन कहीं बेहतर होता, कहीं अच्छा होता। मेरे एक और दोस्त है और मेरे साथ में वो पढ़ा करता था एंड एक बड़ी कंपनी में वो रीजनल मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था और 4 बड़े स्टेट्स जो थे वो उनको वो देख रहा था। रीजनल मैनेजर की पोजीशन थी, बहुत अच्छी चीजें चल रही थी। अचानक से पता नहीं कहां से उसको उसको एक अच्छा सा ऑफर मिला और उसको दिल्ली में जॉब मिल गई। बहुत दूर रहता था, कैलकटा में पोस्टेड था और वहां से उसको दिल्ली में जॉब मिल रही थी। उसको लगा नहीं लखनऊ में आना जाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, सो मैं यहां पे दिल्ली में आ जाता हूं। उसने जॉब चेंज किया और कुछ परिस्थितियों की वजह से वो कंपनी जो थी वो 6 महीने में बंद हो गई। वो 6 महीने में बंद हो गई और 6 महीना उसके बाद में वो जॉब ढूंढता रहा, वो नौकरी ढूंढता रहा दिल्ली में, पर उसको नौकरी नहीं मिली और उसके बाद में वो लखनऊ वापस अपने घर में शिफ्ट हो गया, ये सोच के कि छोटा मोटा बिजनेस यहाँ पे हम आके कुछ करेंगे। और जब उसका फोन मेरे पास में आया, जब उससे बात कर रहा था, तो बहुत पछता रहा था कि मैंने क्यों इतनी बड़ी इतनी अच्छी जॉब को मैंने छोड़ दिया और काश मैंने उस जॉब को ना छोड़ा होता तो चीजें कितनी खूबसूरत होती। कई बार कुछ फैसले होते हैं जो कि हमको बड़े दुख देते हैं। हम अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपनी काबिलियत में, अपनी अपने इस घमंड में कि नहीं हमको सब कुछ मालूम है, हमको सब कुछ आता है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अगुओं से अगुवाई लेने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है, और हम भाग जाते हैं और हम आगे निकल जाते हैं और हमें लगता नहीं हमको मालूम है और हम सब जानते हैं और आगे जाके हमसे एक गलत मोड़ ले लेते हैं एंड वो सब चीजों को बर्बाद कर देता है। वो सब चीजों को बर्बाद कर देता है गंभीर परिणामों के साथ में हमारे पास में जाता है। मेरे प्रिय, हमको अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है।
संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान, संसारिक समझ बहुत अच्छी बात है, पर मेरे प्रभु हमको अपनी जिंदगी में परमेश्वर की विजडम, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान की और उसकी अगुवाई की आवश्यकता है कि प्रभु हमको बुद्धि दे, प्रभु हमको समझ दे और हमारे फैसले में वो हमारी सहायता करें ताकि हम सही फैसलों में हम आगे जाने पाए। परमेश्वर के वचन में एक जन है, उसका नाम समसून है। कुछ दिनों पहले हम लोग उसके ऊपर मनन कर रहे थे और जजेस 16 न्याय की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 20 और 21 पद में एक गंभीर परिणाम लिखा हुआ है, उसके कुछ गलत फैसलों का परिणाम यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तब उसने कहा जी, हे शिमशोन जी, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, चौंक के सोचने लगा, पहले के समान, पहले के समान बाहर आकर झटकूंगा, बाहर आके झटकूंगा। वो तो ना जानता, वो तो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से उसके पास चला गया है, चला गया है। तब पलिश्ती ने उसको पकड़ कर आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया जी, और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। चक्की पीसने लगा, इतना जोरावर जन जी, इतना जोरावर जन, यू नो 20 साल वो न्याय की न्यायों की गद्दी के ऊपर बैठा, 20 इयर्स उसने इसराइल को लीड किया, 20 साल वो इसराइल को लीड करता रहा और वो आगे क्यों लेके गया, फिलिस्तीनियों के हाथ से उसने छुड़ाया, 20 साल के लिए वो राजा की हैसियत से इसराइल को लेकर के चला और क्या हुआ, कुछ गलत फैसले कर लिए, कुछ गलत फैसले कर लिए। हमको मालूम है, हम सब जानते हैं, हमको मत बताइए, हम तो 20 साल से प्रभु के न्याय है, इतनी ऊंचे पद पे हम है, प्रभु का सामर्थ्य कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो चीजें हो जाती है, बड़ा अच्छा वचन प्रचार करते हैं, बड़ी अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं, हमको यह आता है, हमको वो आता है। अब हमको आप मत बताइए, हमको मत समझाइए, हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हम सबको जानते। मेरे पे एक बड़ी गंभीर बात होती है, एक बड़ी गंभीर बात होती है और वो ये कि लोग शिक्षा को प्राप्त करना नहीं चाहते, परमेश्वर के सम्मुख उससे बुद्धि नहीं मांगते, परमेश्वर के लोगों से किनारा कशी करके उनसे दूरी को मेंटेन करते मेरे प्रियो, और वो बात उनके जीवन में गंभीर हो जाती है। मेरे प्रियो काश कि हम कभी भी उस स्तर के ऊपर नहीं आए जहां पे हम अपने अपनी बुद्धि पे बड़ा घमंड करने लगे कि नहीं, अब हमको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है और अब हमको हमको स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता नहीं है, आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इस बात की जरूरत नहीं है कि हमको हमारे अगुए बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, परमेश्वर के सम्मुख जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो कई बार घमंड आ जाता है, लगता नहीं हमको सब आ गया है, अब क्या करना, भैया के घर जाके कोई फायदा नहीं होगा, उनसे बात करने से कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ हमको आता है, सब कुछ हमको मालूम है, सब कुछ हम जानते हैं। एंड इस जन के जीवन में घमंड आ गया, 20 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, 20 साल से परमेश्वर ने मुझे गद्दी के ऊपर रखा है और मैं न्यायों की हैसियत से मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और उसने कुछ गलत फैसले कर लिए। नहीं मालूम था, नहीं मालूम था कि एक दिन आंखें निकाल ली जाएंगी, नहीं मालूम था कि हाथ में हथकड़ी लगा करके चक्की पिसवाई जाएगी, नहीं जानते थे, नहीं जानते। मेरे प्रियो कई बार हम अपने जीवन में गलत फैसलों को ले लेते हैं और कुछ गंभीर परिणामों को अपने जीवन में हम लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्या खूबसूरत बात है कि परमेश्वर के पास से हमारे लिए बुद्धि और हमारे लिए समझ उपलब्ध है। सब उपदेशक दूसरे अध्याय में क्या हमने पढ़ा था, दूसरे अध्याय के 26वें पद में जी क्या लिखा था वहाँ पे, हमने पढ़ा जी, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि अच्छा में है, अच्छा है, उसको वो बुद्धि, उसको वो बुद्धि और ज्ञान, और ज्ञान और आनंद देता और है, आनंद देता है। मेरे प्रियो अगर आपका जीवन परमेश्वर को भाएगा, प्रभु आपको बुद्धि देंगे जी, प्रभु आपको ज्ञान देंगे, गलत फैसलों से वो आपको बचा लेंगे जी, गलत फैसलों से आपको बचा लेंगे। मजूसियों से दर्शन में प्रभु ने कहा नहीं, अब वापस उस रास्ते से नहीं जाना है, अब वापस उस रास्ते से नहीं जाना है। दर्शन में सपने में परमेश्वर ने यूसुफ से बातचीत की, उठो अपना सामान लो और अभी उठ के मिस्र को चले जाओ, यहां से फौरन मूव करो, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, परमेश्वर आपको समझ देंगे और वो आपको नुकसान से बचा लेंगे। वो उन गलत रिश्तों में जाने नहीं देंगे, वो उन गलत फैसलों में आपको जाने नहीं देंगे, वो गलत बातों में आपको जाने नहीं देंगे। ये जो गलत शब्द जब आपके मुंह से निकलने वाले होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको रोक लेगा, जब आप गलत फैसलों में जाने वाले होंगे, प्रभु आपको समझ देंगे और गलत फैसलों से वो आपको बचा लेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे।
मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो कि विदाउट एनी रिग्रेट होने पर आप पीछे मुड़ के देखे और आप उत्साहित हो, आपके प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरी अगुवाई की, आपने मुझे बुद्धि दी, आपने मुझे समझ दिया और आप मुझे आगे क्यों लेके चले। हालेलुया, मेरे प्रियो, अगर आप बुद्धि चाहते हैं, एक खूबसूरत बात जो मैं आपको दे सकता हूँ, खूबसूरत बात जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, और वो है मत्ती उसका 22वां अध्याय उसके 37वें पद में लिखी हुई एक बुद्धि की बात, एक ज्ञान की बात मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ और इस बात को अपने जीवन में आप रख सकते हैं। जी क्या लिखा है यहाँ पे? उसने उससे कहा, उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, परमेश्वर मसीह ने कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे मन और अपने सारे प्राण, सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ, बुद्धि के साथ प्रेम रख, प्रेम रख अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से जी, अपने सारे मन, सारे मन और अपने सारे प्राण, प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ, बुद्धि के साथ में प्रेम रख, प्रेम रख, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind। पूरी तरीके से आप परमेश्वर से प्रेम करें, ये एक बहुत बुद्धि की बात है जो अंत में मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दें। God bless you, my dear friends। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आप हमको सदा उत्तम बातें, उत्तम शिक्षा, बुद्धि देते चले आए हैं। प्रभु हम सबकी मदद करें, हर एक निर्णय लेने से पहले आपसे पूछें, हर एक बात करने से पहले हम पूछें, आपके तरीके से चलें, अपने सारे मन से, अपने सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से आपको प्रेम करें, ताकि आप हमारे जीवन में अपने आनंद को उंडेल सकें, अपनी अगुवाइयों को उंडेल सकें, सफलताओं को उंडेल सकें। प्रभु आप मदद करें, प्रभु जी आप मदद करें, जबकि पिता से हम वातावरण में ऐसा देखते हैं प्रभु कि एक दुष्कर धोखा पाया जाता है और लोग प्रभु ना आपसे ना आपके अगुओं से कोई राय सलाह लेना नहीं मांगते। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते, इस धोखे के कार्य को हम यीशु के नाम से ब्रेक होते देखना चाहते और चाहते लोग आपसे पूछ के चले, ताकि आपकी सफलता, आपका आनंद हमारे लोगों को प्राप्त होने पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह की।